नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। शहीद यादगार किसान मजदूर पदयात्रा, पैदल चलकर आए हजारों किसान मजदूर हुए किसान आंदोलन में शामिल। कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 40,715 नए मामले, एक्टिव मामले 3.5 लाख के करीब पहुंचे। इको टूरिज्म पर जल्द दिशा निर्देश लाएगी सरकार, आदिवासियों को क्यों है इससे खतरा। दिल्ली, उपराज्यपाल, केंद्र को सरकार से अधिक शक्तियां देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित। हमारी पांचवी और आखिरी खबर भी दिल्ली से जुड़ी हुई। राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 50 दिनों से लगातार जारी है कॉन्ट्रैक्ट वर्करों का प्रदर्शन। आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस है। आज के दिन उन्हें 1930 में फांसी दी गई थी। इसी शहीदी दिवस और शहीदों की याद में 5 दिन से पैदल यात्रा कर रहे हजारों किसान मजदूरों के जत्थे आज पलवल, सिंगू और टीकरी के किसान आंदोलन में शामिल हुए। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पकौड़ा चौक पे। आज 23 मार्च शहीदी दिवस, जिस दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी, उस दिन फांसी से 18 तारीख को चली मार्च पदयात्रा, किसान मजदूर पदयात्रा आज टीकरी बॉर्डर पहुंची और यहां आंदोलन कर रहे किसानों के साथ सम्मिलित होगी। अभी हम दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पे हैं, जहां पे हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं शहीदी दिवस को मनाने के लिए। किसानों को, नौजवानों में हमेशा भगत सिंह दिलों में रहा है। वो एक किसान परिवार से थी, जिसने परिवार ने किसानों को सबसे पहले अंग्रेज राज में पगड़ी संभाल जटा का नारा लिया था। किसानों की मूवमेंट शहीद भगत सिंह के परिवार से उठी थी, जो उठकर आज यहाँ पर हम तक लड़ते हैं। ये जत्था 80 की लाल सड़क से 18 मार्च से चला हुआ है और हर जगह जहाँ से भी ये जत्था गुजरा है, लोगों ने पूरी उमंग के साथ फूल बरसा के ढोल नगाड़ों के साथ जत्थों का स्वागत किया है। जो सरकार कह रही है कि भी ये आंदोलन कमजोर हो गया, तो सरकार को ये हम दिखाना चाहते हैं कि भी ये आंदोलन और भी मजबूत हुआ है। ये किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन है और लोगों की इसमें हिस्सेदारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप लोग तकरीबन 100 किलोमीटर के लगभग पैदल चले, आपके दिलों में कुछ तो होगा ना कि हमें इतना पैदल चलना है और अपनी बात पहुँचानी है, क्या प्रेरणा है आप लोगों? हमारे दिल में बहुत गुस्सा है सरकार के विरोध में। इस सरकार ने साडे हक्कां दे जो डाका मारिया है, एदी विरोधता विच सानू 100 किलोमीटर भी चलना पवे असी चलांगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी 23 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,715 नए मामले सामने आए हैं और 199 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें 60% से ज्यादा यानी 24,645 नए मामले महाराष्ट्र से आए हैं और 58 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 29,785 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 10,731 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,16,86,796 हो गई है, जिनमें से संक्रमण के कारण अब तक 1,60,166 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 95.67% यानी 1,11,81,253 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2.95% यानी 3,45,377 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इस महीने देश भर में वाइल्ड लाइफ रिच फॉरेस्ट क्षेत्रों को इको टूरिज्म के लिए खोलने को लेकर जल्द दिशा निर्देश जारी करेगा। इस तरह के ट्रैवल के लिए भारत को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में लक्षित किया गया है। जनजातीय अधिकारों और भूमि के दावों को से नज़रअंदाज करने के इरादे से इको टूरिज्म के लिए फॉरेस्ट लैंड खोलने के कदम की आलोचना की जा रही है। आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही संस्था कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी के श्रीचरण बेहरा ने न्यूज़ क्लिक को बताया, यह कॉरपोरेट्स द्वारा आदिवासी भूमि और वन भूमि के प्रवेश करने के लिए एक रणनीति है, सिर्फ जमीन हड़पने के लिए नहीं बल्कि संसाधनों को हथियाने के लिए भी। यह कदम आदिवासियों को संसाधन संरक्षण की उनकी परंपरा प्रथाओं से दूर ले जाने के लिए है। इको टूरिज्म एक लाभ कमाने का प्रयास है। समय के साथ समुदाय अपने सामूहिक संसाधनों के साथ एक बाजार में बदल गया है। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म उद्योग कोई पुरानी तकनीकी नहीं है, अब इस अवधारणा को सरकार द्वारा सुविधा प्रदान करने वाले प्राइवेट दलों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जिन्हें कॉर्पोरेट्स का समर्थन होता है।
लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2021 को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त समिति अधिकारों वाला एक केंद्र शासित राज्य है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा है कि यह केंद्र शासित राज्य है, सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि कुछ अस्पष्टताओं के लिए यह विधेयक लाया गया है, जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लिया गया है और तकनीकी कारणों से लाया गया है, ताकि भ्रम की स्थिति नहीं रहे। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने ध्वनि मत से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। देश की राजधानी दिल्ली के मूलचंद स्थित राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बाहर एक्ट से संबद्ध रेकॉन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन के बैनर तले 50 दिनों से कॉन्ट्रैक्ट मजदूर आंदोलनरत हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का आरोप है कि कॉलेज और ठेकेदार की मिलीभगत से काम से निकाल दिया गया है। इन मजदूरों ने समान काम समान वेतन, नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन के समक्ष उठाया था। अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मजदूर अपनी यूनियन भी बनाने में लगे हुए थे। इन्हीं कारणों के चलते यूनियन से जुड़े 39 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी यूनियन ने अपने बयान में कहा, 9 फरवरी 2021 और 17 मार्च 2021 के आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कॉलेज प्रशासन को यह निर्देश दिए हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जाए। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन और ठेकेदार के गठजोड़ द्वारा मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया गया है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी ज़रूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.